वो बहुत सीधा लड़का है और दिल का बहुत साफ है, टच तो वुड माशाल्लाह, हमेशा जिंदगी में मुझे लगता है वो बहुत आगे बढ़ेगा। ओवर एक्टिंग चीजें नहीं है उसकी। पैसो बहुत रियल है, बहुत ही स्वीट यार, दिल के इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छा इंसान है। वो कभी भी अपनी सक्सेस को शोल्डर्स पे रखता है, सर पे नहीं रखता है। फैजू इज वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट ह्यूमन बीइंग। फैजू इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गाय, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है उसके बाद। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, जो भी करता है वो अपना बेस्ट करता है। क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज आई पीछे से। सबसे अच्छा दोस्त है मेरे, सबसे करीब दोस्त है मेरा, एंड मतलब मैं बहुत खुश हूँ। इतना चेक के खतरों में झलक में तो माइंड ब्लोइंग कर रहे हैं, बट इससे ज्यादा वो बहुत अच्छा इंसान है। और मैं चाहता हूँ, मैं भगवान को प्रे करता, अल्लाह को मतलब दुआ मांगता हूँ कि उसको जो चाहे उसको दे, कि वो बहुत काबिल है इस बात पे, वो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत आगे तक जाएगा। और एक बात बताओ, जहाँ से वो आए और जहाँ से पहुँच के, वो ब्लेसिंग्स ऊपर की, वो अच्छा इंसान है, इसकी वजह से सब कुछ मिल रहा है उसको। थैंक यू ब्रो, तो हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक यू ब्रो, और बहुत आगे तक जा रहा है। प्लान करके नहीं आया, बट बहुत खुशी मुझे तो, फैसू का बर्थडे था और बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ वक्त से बहुत वक्त से बहुत ही अच्छा कर रहा है, टीवी तो रूल ही कर रहा है। और मिलने का प्लान बनता था हमारा, बट काम इतना है दोनों के पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल नहीं पाए। लेकिन बर्थडे था, भाई ने इनवाइट भेजा तो मैंने बोला आना पड़ेगा। एंड मनोहर, मैं बात करूं झलक की, उनकी काफी अच्छी जर्नी रही है, आपने देखी? मैं देख रहा हूं, मैं उसका हर परफॉर्मेंस देख रहा हूं, और मैं झलक पूरा शो उसी की वजह से देख रहा हूं। यस, बट मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सभी अच्छा कर रहे हैं। इस पर फैजू की बात करूं फिर से, कोई ऐसी बातें जो आपको काफी अच्छी लगती हो? फैजू बहुत रियल है, बहुत अच्छा है, रियल है। और मैं उसको वो टिकटॉक के टाइम से, मैं बहुत टिकटॉक के टाइम से टिकटॉकर्स को फॉलो नहीं करता था, बट द फैजू वन ऑफ देम, कि मैं उसे फॉलो करता था। बट मुझे पसंद है वो लड़का ही, पसंद है। और जब भी हम मिले तो वो ऐसा फील आया है, हम 3-4 बार मिले और एवरी टाइम ये फील आया है कि भाई अपना अपना भाई जैसी फीलिंग देता है। बिल्कुल, खतरों में काफी बिल्कुल। मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बोला हुआ है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट फैजू इज रिप्रेजेंटिंग आवर होल क्रिएटर कम्युनिटी ऑन सच लार्ज स्केल, एंड और उसके और बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम रियली हैप्पी कि जो क्रिएटर हमारा जो फील्ड है, क्रिएटर फील्ड को, उसको मच नीडेड जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो आई गेस बिग क्रेडिट गोज टू क्रिएटर्स लाइक फैसल हु इज डूइंग सो गुड ऑन द टेलीविजन। सो या, फैजू की मैं बात करूं, कोई ऐसी बातें जो काफी अमेजिंग लगती हो उनकी एज अ फ्रेंड कोई? हाँ, मैं उससे बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, मतलब जैसा वो करता है मैं वैसे फॉलो करता हूँ, मतलब बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है उसके बाद। और धीरे धीरे अपडेट हो रहा है डांस में, खतरों के खिलाड़ी आप लोगों ने देखे कितना अच्छा कर रहा है। आप भी गए थे खतरों के खिलाड़ी का? सॉरी, मैं झलक में जा नहीं पाया मैं, क्योंकि थाईलैंड में मेरे को मलेरिया हो गया था, तो मैं थोड़ा मिस कर गया। पूरी टीम गई थी? हाँ, मेरी पूरी टीम गई थी, मेरे को बहुत मिस किया, लगने मेरे को बोले। एंड यू वांट टू से अबाउट फैजू, कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में फैजू आज किंग है, आप बता दीजिए। एक्चुअली फैजू के साथ मैंने एक ही शूट किया है, एंड द शूट वाज एपिक, बहुत अच्छे फोटोज आए थे, एंड वी आर प्लानिंग वन मोर शूट। आई थिंक इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी वेरी स्वीट पर्सन, यू नो, वी हैड नेवर मेट बिफोर दैट, डायरेक्ट हम शूट पे मिले थे, पर आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, एंड ही इज अ रियली नाइस पर्सन टू वर्क विद, वेरी प्रोफेशनल, और बहुत मजा आया काम करके। एनी मेमोरीज दैट यू हैव कलेक्टेड ड्यूरिंग दिस? सो यू नो, ही वाज लाइक बोथ ऑफ अस हैड अ डिफरेंट इंप्रेशन, यू नो, के ही थॉट दैट के हाउ ही विल अप्रोच मी, और मुझे लगा था कि ही इज टू बिग, मैं उससे कैसे बात करूंगा। सो इट वाज इनिशियली ऐसे लगा कि you know, but we got along really well from the first click itself. We saw the photo on the laptop and said, "Oh my God, I've never looked like this." मैंने कभी ऐसा photo shoot नहीं किया है. So instantly we clicked. We finished the shoot and same night both of us were taking a flight. And again I met him at the airport also. So he, उसको जो memory थी photo shoot की, was very very happy and so was I. And जो हमने shoot किया था, I think we must have shot about 40-50 फोटोज, मुश्किल हो गया था चूज करें कौन सा बेस्ट वाला है, क्योंकि ऑल केम आउट सो वेल। सो वॉच आउट फॉर सम न्यू पिक्चर्स दैट वी आर प्लानिंग नाउ। फैजू की मैं बात करूं, फैजू को आप लोग काफी क्लोजली देखा आपने,
कोई ऐसी बात है जो काफी अच्छी, साउथ अफ्रीका में कोई ऐसी यादें आप लोग ने कोई गले? आई थिंक फैजू को मैं खतरों से पहले जानता नहीं था, कभी मिले नहीं हम लोग, हमने सुना है एक दूसरे के बारे में, काम को जानते हैं लेकिन कभी ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था। एंड आई थिंक एक बात जो मैं बोलना चाहूंगा, दिल का बहुत अच्छा है। Yeah. जो भी उसके दिल में रहता है बोल देता है। कई लोग होते हैं ना कि अपने दिल में रख लेते हैं, नहीं बोलते हैं और सीधे साधे, वो बहुत सीधा लड़का है और दिल का बहुत साफ है, तो उसके आई थिंक वो बात मुझे बहुत पसंद है। क्यों? आप कुछ बताना? मैं भी फैजू को पहले नहीं जानता था, मैं भी उसको खतरों के खिलाड़ी पे मिला, लेकिन उसके सारे में रील्स और टिकटॉक और वो सारी चीजें देखता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे। बट एज अ पर्सन फैजू बहुत चिल बंदा है, मतलब उसको बहुत उसका जो ड्राइव है काम की तरफ वो मुझे पसंद है, बहुत हैप्पी गो लकी है, मतलब काम पे फोकस है, कुछ एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग चीजें नहीं है उसकी, फ्रेंड्स है उसके, मस्ती करता है, मतलब जो परफेक्ट एक होता ना, काम करो चिल करो खुश रहो, उस जोन में है फैजू। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वो बहुत लोगों को पसंद आता है, हमको भी पसंद है और हमारा भी बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत जन्मदिन है एंड यू हैव वेरी, यस आई हैव अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद फैजू, और बहुत ही हार्ड वर्किंग, सिंसियर और extremely devoted artist come of course has started his journey as an influencer and he's an amazing boy and I wish him all the love and luck in life. And ma'am, South Africa mein aap kaafi close thi, aapne dekha rahega, kuch aisi baatein share karna chahoge Faizu ke bare mein? Faizu kaafi shy hai, wo pehli interaction ya pehli conversations initiate nahi karta hai, केयरिंग है और जब भी उसे वक्त लगता है वो हाल चाल पूछता है, और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो कभी भी अपने सक्सेस को शोल्डर्स पे रखता है, सर पे नहीं रखता है। एंड आई थिंक दैट क्वालिटी ऑफ हिम बीइंग वेरी डाउन टू अर्थ इज समथिंग वेरी एंटरप्राइजिंग, और दैट्स द रीज़न ही इज शाइनिंग इन सो मेनी डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ हिज लाइफ, and I wish that he remains the same so that he continues to grow and glow in his life. जो फ्रेंड मुझे साउथ अफ्रीका में मिला अब यहाँ मुंबई आकर और भी अच्छा दोस्त बन गया है, and I'm so glad कि मैं उसके बर्थडे का हिस्सा हूँ। Happy 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 birthday फैजू। फैजू is one of the most sweetest human being, और बड़े प्यार से उसने invite किया है, तो I did not want to miss it. जी अब फैजू के बारे में जो मैंने केप टाउन में नोटिस करा है ना, वो बहुत ही डेडिकेटेड और हार्डवर्किंग इंसान है, और झलक पर उसकी झलक और भी ज्यादा नजर आ रही है कि वो कितना हार्डवर्किंग है और कितना फोकस्ड है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू विश द बेस्ट बेस्ट फॉर हिम, और भगवान करे कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी। किया ही नहीं है, आई डोंट थिंक फैजू ने एक भी स्टंट अबॉर्ड किया। फैजू हमेशा बस यही कहता था कि मुझे करना है और मैं करूँगा, तो जब कोई इंसान ये सोचता है कि वो चीज उसे करनी है, ठान लेता है, तो we all have seen कि वो उसने कितना ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है। बहुत एक्साइटेड है सब लोग ही, क्योंकि आई थिंक हम सब ने उसको ग्रो होते हुए देखा है, और मुझे पता है मैं हर इंसान के लिए सेम चीज़ कहती हूँ, बट ऑफकोर्स हम लोग ने एक दूसरे को ग्रो अप होते हुए देखा, और फैजू दो साल से इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है, एंड ही इज़ डूइंग सो वेल इन झलक दिखला जाओ ऑल्सो, एंड ही डिड सो वेल इन खतरों के खिलाड़ी, तो आई एम श्योर आज सिर्फ उसका बर्थडे नहीं बट उसकी लाइफ की ग्रोथ भी सेलिब्रेट करेंगे। मैंने अभी तक झलक दिखलाचा देखा नहीं, बट ऑफ कोर्स फैजू डिड अमेजिंग इन खतरों के खिलाड़ी, सो वी ऑल हैव टू गिव हिम अ हैट्स ऑफ फॉर दैट। खुशी हो रही है, और उसने फर्स्ट स्टेप रखा खतरों के खिलाड़ी में टीवी में, उसके बाद बैक टू बैक अभी दूसरा भी शो बहुत ही अच्छा कर रहा है। वो उतना अच्छा डांसर नहीं था, पर अभी वो प्रूव कर दे रहा है कि वो जो भी करता है वो अपना बेस्ट करता है, और वो अब वो डांसर भी कहलाएगा। सो बेस्ट विशेस हम लोग की तो हमेशा साथ में रहेगी, और अल्लाह उसको और कामयाबी दे। कितनी खुशी होती है झलक में भी मैं देख रहा था, स्टार्टिंग में उन्होंने एक बात की थी, हमारा टैलेंट सिर्फ वो 15 सेकंड नहीं है, उससे ज्यादा टैलेंट है, और मैं देखता हूं आप लोग का जो भी ग्रुप है आप लोग भी झलक गए थे, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, मगर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो सब दिखाएंगे अपना अपना टैलेंट। पर
अगले अभी तक के साल बहुत अच्छे गए, आगे आने वाला साल उससे भी अच्छा हो, यही विश मैं दे सकती हूँ। मेरे भाई का बर्थडे है एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत मेहनती है जिंदगी में, टच वुड माशाल्लाह हमेशा जिंदगी में मुझे लगता है वो बहुत आगे बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है और माँ बाप की दुआ है, चाहने वालों की दुआ है, हम सब भाइयों की दुआ है, बहन तो कोई है नहीं तो बाकी सारी लड़कियों की दुआ है एंड सबकी दुआ है, अच्छी दुआ है और वो बहुत नेक दिल का इंसान है तो नेक दिल वाले लोग जो है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। हैप्पी बर्थडे मिस्टर फैसू, मे अल्लाह ब्लेस यू, तुम जियो हजारों साल और ऐसी टीवी पे आते रहो, एंटरटेन करते रहो, जल्दी जल्दी मूवी में आओ इंशाल्लाह। और वैसे तो फैसल के साथ लाखों लोगों की दुआ है ही, वो आगे आगे बढ़ते हमारे लिए। और क्या कहना चाहोगे, झलक में काफी धमाल मचा रहे फैसल सर, उस पर आप क्या कहना चाहोगे, आप लोगों ने भी धमाल मचाया था। अरे बहुत बहुत मजा आई थी उस दिन, हम लोग गए थे, बहुत अच्छा फैसल डांस कर रहे हैं क्योंकि पहले उससे नहीं होता था इतना, बॉडी उसकी एकदम टाइट रहती थी ना, तो अभी इतना फ्लेक्स हो रहा है अच्छा और अच्छा डांस भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जीत भी सकते हैं। दोनों ने काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस की थी, बट आपको क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा झलक में या फिर खतरों के खिलाड़ी में, क्या लग रहा है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस? खतरों के खिलाड़ी का तो अलग ही था कि वो खतरों से तो खेलते ही रहते हैं तो नॉर्मल है, ये झलक एक डांस उसको इतना आता नहीं था और अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, देखने में भी मजा आ रही है और एनर्जेटिक है। फैजू इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गाय, मैं फैजू को पिछले 3-4 साल से जानता हूँ और मैंने फैजू की ग्रोथ देखी है, उसकी जर्नी देखी है, सो ही हैज वर्क्ड रियली वेरी वेरी हार्ड एंड वी ऑल आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ फैजू, और आज बर्थडे है फैजू का, सो वी विश की और आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े, करे कमाल करे। जैसे पारस ने बोला कि मेरे ख्याल से बहुत ही मेहनती है और बहुत ज्यादा एफर्ट देते हैं और बहुत शिद्दत से काम करते हैं और बहुत ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट अपने क्राफ्ट को भी, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही मतलब अच्छे दिल के इंसान हैं एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आज उनका बर्थडे है, बहुत साल और जिए, बहुत तरक्की और कमाएं और अपना नाम और अपने फैमिली का नाम और रोशन करें। मिस्टर फैजू के लिए क्या बोलना चाहोगे? मिस्टर फैजू के लिए, अरे फैजू, मिस्टर फैजू इज बहुत इज अ स्वीटहार्ट, एक्चुअली इतना प्यारा है वो, इतना डाउन टू अर्थ। और ये देखो मेरे फैंस मुझे क्या फालतू के फोन कर रहे हैं रात को 11 बजे, पता नहीं किसी को गलती से नंबर मिल गया, सॉरी, तो ये कट कर देना प्लीज। हाँ फैजू बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, और अभी तो आप देखना उसने इतना बीमार था लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि पूछो मत, ही इज वेरी स्वीट है, मैं चाहती थी कि वो विनर बने, हम लोग सब सोच रहे थे कि वो विनर बने, लेकिन आई थिंक तुषार जी भी अच्छा कर गए हैं वो, लेकिन खतरों के खिलाड़ी करना मतलब रूबीना ने भी किया है, आई थिंक श्रुति झा ने भी किया है, बाबा बहुत बड़ी बात है, बेचारे निशान को बहुत कुछ काट गया है आया ऊपर। हाँ, फैजू का बर्थडे, उनके बारे में कुछ बता सकते? वो तो बहुत स्पेशल है, बहुत 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 मुझे पसंद है फैजू, दिल के इतने अच्छे हैं और इनकी मुस्कुराहट पे तो ऑफकोर्स सब फैन है, एंड ऑफकोर्स उनकी दिल की अच्छाई उनके फेस पे दिखती है, जन्मदिन मनाने आए तो।